ट्रक के अंदर है, ट्रक के अंदर है, सर्वी तेरे आगे वाले ट्रक के अंदर है। तो प्रिंस को ये कैसे पता चला कि जो ये ट्रक सा है छोटा सा, ये जो बिन है, इसके अंदर बंदा है? बिल्कुल स्पॉट करके नॉक करा, लेकिन फिनिश कौन करता है? लेजिट फिनिश आ जाता है लेजिट का भाई। स्मोक के भी पीछे की तरफ था, ये भी नहीं स्मोक के इस एज पे हो सारा। तो यार देखो, मैंने तुम सब लोगों को अपने इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट के अंदर मैसेज डाल के बोला था कि इग्नाइट गेमिंग के ऊपर आज वीडियो आने वाली है, लेकिन जब मैंने कल वीडियो अपलोड करी तो उसके कमेंट सेक्शन में तुम लोगों ने TWOB हर जगह पे भर दिया। और थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करने पे यार मुझे पता चला है कि जो तुम प्रिंस का नाम समझ के ये सोच रहे हो कि यार ये लेजिट ही खेल रहे होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहानी कुछ और भी हो सकती है, क्योंकि यार एक टीम BMPS के सेमीफाइनल्स के Day 1 Day 2 दोनों दिन में टेबल टॉप कर रही है, और वो भी एक नई बनी हुई टीम। यार इतना अच्छा कैसे परफॉर्म कर सकती है? आओ जरा कहानी के तह तक जाते हैं और असली राज का पता लगाते हैं। सबसे पहले हम तुम्हें याद दिलाते हैं प्रिंस भैया जो कि TWOB के इस टाइम पे IGL हैं, उनकी क्या हिस्ट्री रही है टीम की। ये तो TWOB का लाइनअप आपने अभी देखना शुरू करा है, उससे पहले इनके लाइनअप में काफी सारे बदलाव हो चुके हैं। एक लेजिट को, यानी कि जो सबसे ज्यादा लेजिट प्लेयर है टीम माया भी वाला ही लेजिट है, उसको तो इन्होंने अपनी टीम में ले ही रखा है। साथ ही साथ में इन्होंने अपने सो कॉल्ड ट्रायआउट्स के टाइम पे मैग्नेट ई-स्पोर्ट्स के दो जादूगर सर्वर और चंदन को खिलाया था, और उसको खिलाना शुरू भी कर दिया था। और जब इनके ऊपर काफी सारे सवाल उठे, काफी स्टोरीज लगनी शुरू हो गई, काफी हल्ला गुल्ला मच गया, तो भाई साहब ने आके बस बोल दिया कि मैं तो इनके ट्रायआउट ले रहा था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था इन सब के बारे में, और उन दोनों को अपनी टीम से निकाल दिया। उन दोनों को तो इन्होंने निकाल दिया, लेकिन पता नहीं यार लेजिट से इतना ज्यादा इनको क्या प्यार था, जिसकी टीम ऑफिशियली बैंड हुई थी मेगा स्टार्स वाली टीम BGIS के टाइम। और साफ साफ वहां पे लिखा गया था कि हैकिंग की वजह से, हैकिंग सॉफ्टवेयर यूज करने की वजह से उनको बैन किया गया है। तो प्रिंस भैया ने वो सारी चीजें सामने होने के बावजूद भी उसको नहीं निकाला, बल्कि उसको डिफेंड करना शुरू कर दिया। देखो कैसे। सो गाइस, मैं कभी ऐसे वीडियो बनाता नहीं हूँ, ना मैं कभी लाइव आता हूँ, ना मैं कभी किसी को रिप्लाई देता हूँ, मैं ऐसा हूँ ही नहीं। मेरे को आज एक स्टोरी मिली, वो स्टोरी में लिखा गया था कि TM लेजिट जो है उसको TWOB वाले क्यों खिला रहे हैं। वो स्टोरी बेसिकली मैंने ही लगाई थी, मैंने और गुज्जर दोनों ने मिलकर लगाई थी। अब मैं एक सिंपल सी चीज पूछता हूँ कि ये पर्टिकुलर प्लेयर बैन हुआ है? नहीं, ये पर्टिकुलर प्लेयर बैन नहीं हुआ, तुम्हारी टीम पूरी की पूरी बैन हुई है। और वो प्लेयर बार बार बस डिफेंड कर रहा था, हम तो कभी मानेंगे ही नहीं कि हमने हैक किया है। यार हम तो अभी भी नहीं मान रहे, ना मानेंगे कि हमने हैक करा है, क्योंकि ऐसे नहीं बोल रहे, प्रूफ भी है। ऑफिशियल पोस्ट से बड़ा कौन सा प्रूफ होगा ये बताओ। जो भी बैन हुआ है, कौन हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, प्लीज प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लो। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ये है कि कोई एक प्लेयर बैन नहीं हुआ था, पूरी की पूरी टीम बैन हुई थी, पूरी की पूरी टीम का स्लॉट निकाला गया था, पूरी की पूरी टीम मिलके ही इंस्टाग्राम पे लाइव कर रही थी, पूरी की पूरी टीम ही आके मेरे इंस्टाग्राम लाइव पे आई थी, पूरी की पूरी टीम ने ही मिली भगत बना के सब लोगों ने मिलके ही मेरे चैनल पे स्ट्राइक देने की कोशिश करी थी, और उनकी दो स्ट्राइक लगी भी थी। उसके बाद आप कुछ ऐसी स्टोरी डालो। दूसरी बात कि TM में से सिर्फ ब्लैक्स अलाउड नहीं है कहीं भी खेलने को, ऐसा कहां पे लिखा था? ऑफिशियल पोस्ट आया, वहां पे तो ब्लैक्स का नाम भी नहीं लिया गया, वहां पे तो पूरी टीम को बैन किया गया था, ऐसा कहां पे है? आप पूरी इन्फॉर्मेशन दे दो अगर आपके पास है, और हम लोगों के पास नहीं है अगर हम बिना इन्फॉर्मेशन के स्टोरी डाल रहे हैं। और उन्होंने तो ब्लैक्स को भी लगातार डिफेंड किया था, प्लेयर्स को भी बोला था कि नहीं नहीं हमें नहीं पता कैसे, बट इन्होंने भी कभी नहीं करा, हम तो कभी मानेंगे ही नहीं, हमारी टीम में से तो किसी ने किया ही नहीं। चलो ठीक है, उससे पहले ब्लैक से 10 साल की आईडी बैन आपको एक अरे भाई, जब मैंने हैक किया ही नहीं है और बैन मतलब हुई आईडी, तो उसका रीजन मैं क्या ही बोलूं। तुम बता दो कि नहीं करा उसके वजह से बैन हुई है, तुम कह रहे हो कि कहां करा है, मैं ये बोल रहा हूं, तुम बता दो। नहीं करा, उसके बाद मैंने क्राफ्टन को किया है मेल। मैं यही चीज बोल रहा था कि इस चीज का कोई एंड नहीं है, आप हमारा ना बात मान रहे हो। तो यार अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब आपको डिफेंड करना था तो आपने बोल दिया कि नहीं ब्लैक्स बैन हुआ है, कोई और बाकी तो बैन हुआ ही नहीं, आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है नहीं। लेकिन जब उसी टीम को खुद को डिफेंड करना था तो अपनी कन्वीनियंस के लिए वो बोल रहे थे कि नहीं हम तो कभी मानेंगे ही नहीं कि हम में से किसी ने भी कभी हैक किया है। उसके बाकी चारों प्लेयर्स कहीं भी खेल सकते हैं, लिया नहीं है, मैं इसके ट्रायआउट ही ले रहा था लेजिट के। मैंने इसके ट्रायआउट लिया है, अभी तक मैं ट्रायआउट ले रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ कि वो कैसा खेल रहा है। बेसिकली ये स्टोरी इन्होंने 17 जुलाई को लगाई थी, 17 जुलाई से लेके आज 17 सितंबर हो चुकी है, ये भाई साहब ने कोई सो कॉल्ड इनका ट्रायआउट नहीं लिया, ये केवल देख ही नहीं रहे थे, उनको कन्फर्म टीम में स्लॉट दिया और वो खेल भी रहे अपना आराम से। सेमीफाइनल्स में तो जा ही चुके हैं और अब फाइनल्स का भी लान का टिकट कटवा चुके हैं। तो इस तरीके से भाई का पूरा करियर बनाया जा रहा है, फिर से रिवाइव किया जा रहा है, जबकि कोई कमी नहीं है हमारी कम्युनिटी में प्लेयर्स की, लेकिन फिर भी इनको इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इनके दोस्त लगते हैं। मैंने उसको बूटकैंप पे बुलाया है कि बूटकैंप पे बैठ के मैं उसके सामने देखी वो कैसा खेलता है, उसके लिए मैं उसको बूटकैंप भी बुलाया है, बूटकैंप बुला के मैं देख रहा हूँ उसको और वो अच्छा खेल रहा है। हमने जिससे परमिशन चाहिए थी सबसे परमिशन ले ली है और उसी हिसाब से हमने स्टेप बाय स्टेप काम किया है।
जिनसे आपने सो कॉल्ड अपनी परमिशन ली है उनसे भी ऊपर एक अथॉरिटी है जो क्राफ्टन है, जिन्होंने खुद डिक्लेयर किया था कि ये टीम ऑफिशियली बैन हो चुकी है। तो या तो आप साफ साफ उनके मुंह से कहलवाओ, अगर आपको बोलना है कि केवल ब्लैक्स बैन हुआ था तो लेजिट को लेके आओ, साफ साफ कहलवाओ, साफ साफ प्रूफ रखवाओ, साफ साफ कन्फेशन रखवाओ कि भाई केवल ब्लैक्स ही कर रहा था और किसी को पता ही नहीं था, सब कुछ उसकी मिली भगत है, सब कुछ ब्लैक्स का ही मास्टर प्लान था और ये किसी को भी आज तक नहीं पता था, ये सब कुछ उससे कहलवाओ, ये सब कुछ आप प्रूफ करवाओ, उसके बाद हम मानेंगे कि नहीं नहीं भाई केवल ब्लैक्स बैन था। मुझे बस एक ही पॉइंट रखना है कि एक प्लेयर, अगर मान लो आप खुद हो, अगर आप अच्छा खेलते हो और आपकी टीम में अगर ऐसा कोई है कि जो गलत कर रहा है और आपकी टीम डिस्क्वालीफाई हो गई, तो आप मेरे को खुद बताओ कि अगर आप बहुत अच्छा खेलते हो तो आप एक चांस डिजर्व नहीं करते हो। अगर मैं अच्छा खेलता हूँ लेकिन उसी हैकर को मैं डिफेंड कर रहा हूँ, सब लोगों के साथ मिलके बार 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 यही स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि हम तो सब लोग एक साथ हैं, हम में से किसी ने भी कुछ नहीं करा, हम कभी मानेंगे ही नहीं कि किया, तब बात अलग होती है। और जब आपके साथ में गलत हुआ होता है और आपको पता नहीं होता है ना, तो साफ साफ चीजें सामने रखी जाती है, सब कुछ बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टीम क्रो का पार्थ बैन हुआ तो क्रो भाई को काफी सपोर्ट दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने कभी भी पार्थ को सपोर्ट नहीं करा, सामने से आके सारी चीजें रखी और सारी की सारी सच्चाई आप लोगों के सामने रख दी। मेरे को खुद को ऐसा लगता है कि सबको एक एक चांस देना चाहिए, और अगर इसकी पर्टिकुलर ऐसी कोई वीडियो है या ऐसा कुछ भी है कि जिसमें इसकी कोई गलती है, भी सारी क्लियर हो चुकी है, उसमें इसकी गलती कोई है ही नहीं, तो ये जो नीट एंड क्लीन है सारी चीज़ें, तो एक पर्टिकुलर ऑर्ग पे टारगेट करके ऐसे क्यों बोलना? एक पर्टिकुलर ऑर्ग को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उस पर्टिकुलर ऑर्ग ने उस पर्टिकुलर प्लेयर की कभी भी चीजें प्रूफ नहीं करी कि नीट एंड क्लीन है। आपके बोल देने से नीट एंड क्लीन नहीं हो जाता है, आपको प्रूफ रखने पड़ते हैं। अगर ऑफिशियल से इनको बैन मिला है तो फिर हमें परमिशन कैसे मिली? परमिशन मिली मतलब इस प्लेयर से कुछ लेना देना नहीं था, ये प्लेयर नीट एंड क्लीन था। अब यार परमिशन तो नाइट ऑल्स को भी मिल जाती है, एंग्री स्वान को भी मिल जाती है, टीटीई को भी मिल जाती है, जीरो रिकॉइल को भी मिल जाती है, इग्नाइट गेमिंग को भी मिल जाती है, टीम ड्रैगन्स को भी मिल जाती है। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे थे कभी भी, या कभी बैन नहीं हुए, कभी डिस्क्वालीफाई नहीं हुए जब उनके ऊपर एक्शन लिया गया है। सिमिलरली जैसे मेगा स्टार्स के ऊपर एक्शन लिया गया था हैकिंग के लिए, तो पूरी टीम के ऊपर एक्शन लिया गया था और उससे साफ साफ प्रूव होता है कि ये देवर हैकिंग। तो जिस तरीके से आप सारे जादूगरों को अपनी टीम में भर रहे हैं, जिस तरीके से आप डिफेंड कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्हीं लोगों के साथ में रील डाल रहे हैं और ऐसे दिखा रहे हैं कि पैरेलल वर्ल्ड में उनके साथ क्या हो, और ऐसा दिखाया जाता है कि उसके ऊपर तो फेक एलिगेशंस लग रहे हैं, रियल वर्ल्ड में तो उसने कभी कुछ किया ही नहीं, एक इमेजिनरी वर्ल्ड या फिर पैरेलल वर्ल्ड में उसने किया होगा कभी। जिस तरीके से मैग्नेट स्पोर्ट्स के जादूगरों को आप अपनी टीम में खिला के कोशिश कर रहे थे कि उनको भी टीम का पार्ट बना लो, उससे आपका मोटिव साफ साफ समझ में आता है कि या तो जादूगरों को एक सेकेंड चांस देना है या फिर शायद उनके साथ मिलके ही आपका लैंड जाने का सपना है। बैट बीइंग सेड, अभी एक फाइट है जो कि डे वन की है और यहाँ पे मैच सेकंड चल रहा था, यहाँ पे टीएक्स की अलग से फाइट चल रही है टीडब्ल्यूओवी से, और यहाँ पे नोवा भाई, अब यहाँ पे क्या होगा, नोवा भाई यहाँ से स्मोक के अंदर सौरंग को सीधा नॉक करेंगे और लेजिट भाई गाड़ी में बैठ के जाएंगे सारंग को रिवाइव देने के लिए। एक नेट फेंका, सारंग बराबर यहाँ पे स्मोक करके बैठा हुआ है, ठीक है, लेजिट भाई सब यहाँ पहुंच गए, नोवा यहाँ पे, यहाँ से पता नहीं स्मोक के अंदर कैसे वो स्पॉट कर लेगा। इस टाइम पे भी सारंग प्रोन है, उसको डायरेक्ट पड़ती है, चलो एक बार को मान लेते हैं कि यार कहीं ना कहीं तरीके से स्पॉट हो गया होगा 80% ब्राइटनेस से। यहाँ से बिल्कुल स्पॉट करके नॉक करा, लेकिन फिनिश कौन करता है, लेजिट फिनिश आ जाता है लेजिट का भाई। सारंग यहाँ है, लेजिट यहाँ है, डायरेक्ट उसने मतलब स्मोक के भी पीछे की तरफ था, ये भी नहीं स्मोक के इस एज पे हो सारंग, यहाँ से डायरेक्ट फिनिश हो गया। अब सबसे ज्यादा जो लोगों को सस्पिशन आ रहे हैं और मेरे को बोला गया, टैग भी किया गया, वो है ये आपको प्रिंस का पीओवी दिख रहा है, तो प्रिंस की कॉल आउट आएगी। वो इस टाइम पे सर्वित और लेजिट को स्पेक्टेट कर रहा है और सर्वित को बोलेगा, आप देखो क्या कॉल है, पहले बचरे लेफ्ट पे बंदा होगा, यही पे होगा, सामने होगा लेफ्ट पे, हाँ हाँ होगा, देखना चेक कर, वन वन ले, एक शेक में गया, शेक में है, शेक में लेटा हुआ है, देख, ए ट्रक के अंदर है, ट्रक के अंदर है, सर्वी तेरे आगे वाले ट्रक के अंदर है, ट्रक के अंदर लेजिट। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी कॉल ये थी कि भाई ये कैसे पता चला प्रिंस को, वो किसी और को तो स्पेक्टेट कर नहीं रहा, तो जो स्पेक्टेटर्स व्यू में दिख रहा है, जो रिकॉर्ड हुआ है, वही हम लोगों को भी दिख रहा है, तो प्रिंस को ये कैसे पता चला कि जो ये ट्रक सा है छोटा सा, ये जो बिन है, इसके अंदर बंदा है, क्योंकि यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो बंदा निकलेगा यहाँ से, यहीं से निकलता है और उसको नॉक भी कर देता है। तो देखो ये फर्स्ट इंस्टेंस पे तुम लोगों को सस्पिशियस लग सकता है, लेकिन तुम लोगों को मैं अब ये चीज सुनाता हूँ, तुम ध्यान से देखो, पहले यहाँ पे जब सर्वित पहुंचेगा तो तुमको आवाज बढ़ा के सुनवाता हूँ, होगा यही पे होगा, सामने होगा लेफ्ट पे, हाँ हाँ होगा, देखना चेक कर, वन वन ले,
एक शेक में गया। तुमको क्लियर आवाज आएगी यहाँ पे, एक हल्की सी आवाज आएगी कि बंदा हल्का सा प्रोन होके भी मूव कर रहा है। एक शेक में गया। अगर तुम्हें अभी भी सुनाई नहीं दिया तो प्रिंस की ये वाली वीडियो तुम खोलना, खुद हेडफोन्स लगाना, फुल वॉल्यूम में यहाँ पे सुनना, तुमको क्लियर आएगा। और इतने से पता लग सकता है, अगर कोई एक्सपीरियंस प्लेयर है तो उसको पता लग सकता है कि यहाँ पे है, स्पेशली जब वो कॉल आउट दे रहा है तो यस। और थोड़ा सा तुम पीछे आओगे भी, अगर प्रिंस को लोकेशन पता होती तो वो अपने इन दोनों प्लेयर्स को यहाँ पे कूदने ही नहीं, वॉल के पीछे जा, वॉल के, क्योंकि अगर उसको ऑलरेडी पता होता बंदा यहाँ है तो यहाँ पे क्यों खड़े होकर वो स्मोक करने देता। जा, सही बोल रहा है, वॉल के पीछे जा, जल्दी जा, जल्दी जा। और यहाँ पे वो सर्वित को गाइड करेगा कि वॉल के पीछे जा, जो लेजिट है उसको भी बोलता नहीं तो कि दोनों के दोनों यहाँ से भागो। और ये मोमेंट आने से पहले प्रिंस की यहाँ पे कॉल भी आती है, जैसे ये इंसिडियस यहाँ पे फिनिश होता है जोन से, तुम सुनो पहले क्या है। एक और बचा है अभी, अभी तुम मरोगे तो हैशटैग 3 आओगे। सुनो, तुम्हारे आगे वाले सामने वाले शेक पे बंदा एक और 3 आरजी के, वो लैपटॉप में बंदा शायद लेजिट, हाँ वहीं पे उस साइड पे था, हाँ वही ब्रोकन वॉल पे, ग्राउंड फ्लोर जाना पड़ेगा फिर लोगे लोग। यहाँ पे वो ब्रोकन वॉल की ही बात करता है, लोगे उसको लोगे हिल बैटल का करने नहीं देना, किल लो ना, हिल बैटल नहीं करने देना है। तो यहाँ पे उसको एक आइडिया था कि ब्रोकन वॉल की तरफ एक बंदा है, तभी वो जैसे ही सर्वित यहाँ पे कूदता है वो तुरंत उसको बोलता है जा ब्रोकन वॉल पे और उसको मार, वॉल के पीछे जा, वॉल के पीछे जा, सही बोल रहा है, वॉल के पीछे जा, जल्दी जा, जल्दी जा। लेफ्ट पे बंदा होगा, यही पे होगा, सामने होगा लेफ्ट पे, क्योंकि वो यहाँ पे अज्यूम कर रहा था, क्योंकि पहले भी जो कॉल आई उसके बेसिस पे इनको लग रहा था कि यहाँ पे बंदा हिल बैटल कर रहा हो सकता है। आरजी के 3 बंदे यहाँ पे कहीं पे हैं, एक बंदा यहीं पे या तो लेटा हुआ होगा या इस जगह के पास में होगा ब्रोकन वॉल के, यहाँ पे हिल बैटल कर रहा होगा। तभी वो जैसे ही कूदता है तुरंत इनको इन्फॉर्मेशन देता है। तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ भी ऐसा सस्पिशियस था, तो केवल यार वो जो मेरा मार वाली क्लिप है जहाँ पे लेजेंड ने इतनी दूर से फिनिश किया, अगर उसका पीओवी आ जाता है तो ही क्लियर हो जाएगा, केवल वो देखने में सस्पिशियस लग रहा है। आई वुड क्लेम इट एज सस्पिशियस, नॉट टूटो और एनीथिंग। और प्रिंस के पीओवी में मुझे ऐसा कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगा, केवल एक बात से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि अपना लाइनअप अगर तुम बना रहे हो, इतने रेप्यूटेड प्लेयर हो, T1 प्लेयर रह चुके हो, T1 ऑर्ग में हो अभी भी, उसके बाद में तुम्हें हैकर्स को ही क्यों लेना है अपने लाइनअप में। जिस तरीके से तुम रील बना रहे हो पैरेलल यूनिवर्स वाली और उसको ऐसे दिखा रहे हो कि फेक एलिगेशन लगा रखे हैं, जबकि क्राफ्टन ने खुद पोस्ट करके प्रूफ किया था कि हैकिंग की वजह से वो टीम गई थी, वो चीज मेरी नजर में साफ साफ गलत है। और एक T1 प्लेयर को ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। ऑफकोर्स यहाँ पे पर्सनल रेपो ऐप की उनके साथ में इस वजह से आप कर रहे हो, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करवा दे रहे हो, एक प्रूवन हैकर का करियर तुम व्हाइट वॉश करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, इस तरीके से डिफेंड कर रहे हो, और लैंड पे अगर परफॉर्मेंस आ गई तो ऑब्वियसली उसका करियर बन ही जाएगा, ये चीज मेरी नजर में गलत है। उसकी जगह किसी डिजर्विंग अंडरडॉग को मौका दिया जा सकता था। लेट मी नो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस वन इन द कमेंट सेक्शन। बाकी तो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।